Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों देखो, आपको एक चीज दिखाता हूं। अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये वो स्क्रीनशॉट है जो हर आईपीएल के मैच के बाद अपने चैनल के जो मेंबर्स हैं वो मेरे को भेजते हैं और बताते हैं कि यार भाई, आज आपकी टीम की वजह से, आज आपके वीडियोस की वजह से मैंने इतनी अच्छी खासी विनिंग की, मैंने इतना अच्छा खासा प्रॉफिट आज के इस मैच में कमाया। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास इतने स्क्रीनशॉट आते हैं अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स के, जिनको यार मैं इस वीडियो में डाल ही नहीं सकता, नहीं तो वीडियो ही जो है घंटों का बन जाएगा। और देखो दोस्तों, अभी तो जो है आईपीएल को स्टार्ट हुए लगभग 15-16 दिन हुए, और इन्हीं 15-16 दिनों में अपने चैनल ने 50 लाख से भी ज्यादा की विनिंग अपने चैनल पर कर ली है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये इस बात का जो प्रूफ है, अगर किसी को देखना हो तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसको देखना हो वो जाके देख सकता है। 50 लाख से ज्यादा की विनिंग सिर्फ 15 दिनों में। टेलीग्राम चैनल की दोस्तों जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसको भी देखना हो वो वहां पर जाकर आराम से देख सकता है। और दोस्तों यार विनिंग तो होनी है, मतलब विनिंग नहीं होगी तो कहां जाएगी। अब जैसे कल का मैच अपन उठाते हैं, कल का अपना मैच था कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स का। उसके वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें एकदम साफ साफ बोल दी थी। मैंने आपको बोला था कि भाई पृथ्वी शॉ पावर प्ले के अंदर अच्छा खेलता है, ये बंदा मारेगा। मैंने आपको बोला था डेविड वॉर्नर जो है पहले मैच में फ्लॉप जरूर हुआ है, लेकिन इस मैच में बहुत अच्छा मार सकता है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ऋषभ पंत भी अगर आएगा तो मारेगा। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बोला था कि जो सुनील नारायण है वो पिछले कुछ मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, अच्छे विकेट नहीं लिए, लेकिन इस मैच में आपको विकेट निकाल के देंगे। और एक तो मैंने आपको विकेट वाले का नाम भी बता दिया था कि रोमन पवल का विकेट सुनील नारायण ही निकालेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो कल का वीडियो अपने इसी चैनल पर पड़ा हुआ होगा, उस कोलकाता दिल्ली का जाके देख सकते हो। ये सारी की सारी बातें मैंने उस वीडियो में बोली थी, और भाई जिस भी भाई ने अपना वो वीडियो पूरा देखा था, उस भाई ने उस मैच में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। अब दोस्तों बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो यार आज जो है सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात के बीच का मैच है, अगर इस मैच में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो यार आपको कुछ भी नहीं करना होता। देखो हमेशा बोलता हूँ, आपको लिटरली भी कुछ नहीं करना होता, आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना है। इस वीडियो में आपसे एक एक प्लेयर के बारे में मैं बताऊंगा, आपको मैं पिच के बारे में बताऊंगा, प्लेयर बैटल में आपको बताऊंगा, डेमो टीम में आपको बना के दिखाऊंगा। सारे के सारा जो निचोड़ है इस मैच का वो आपको आगे इस वीडियो में मिलेगा। और यार मैं तो देखो जानता हूं कि आप में से कोई यहां पर हारने के लिए तो आया नहीं होगा, सबके सब जीतने के लिए आए हैं। तो अगर जीतना चाहते हो ना तो भाई आपसे 20-25 मिनट में मांगूंगा, वो इस वीडियो को दे देना और आज के मैच में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेना, ठीक है? तो इस वीडियो को आपको शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना है। अच्छा दोस्तों बात करेंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से उन भाई को बहुत बहुत बधाई जिसने आज अपना ये वीडियो सबसे पहले देखा, वीडियो को लाइक किया और वीडियो पर कमेंट किया। क्योंकि जैसा कि आपको पता है अपने यार हर वीडियो में ऐसा गिव अवे होता है कि जो भी भाई अपने इस वीडियो को सबसे पहले देखता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, वो फ्री के पैसे जीत के लेके चला जाता है। कल भी था, आज भी है और आगे आने वाले मैचों में भी रहेगा। तो अगर कोई भाई आज के इस मैच में नहीं कर पाया हो, है ना, आप में से कई लोग मिस हो गए होंगे जो थोड़ा लेट पहुंचे होंगे या फिर अपने चैनल पर आज पहली बार आए होंगे, तो देखो निराश होने की जरूरत नहीं है। आज अगर आप नहीं जीत पाए तो कोई बात नहीं, आगे जीत लेना, अभी तो पूरा आईपीएल का सीजन बाकी है, हर एक मैच में गिव अवे होगा। आपको जीतने की एक सिंपल सी ट्रिक मैं बता देता हूं, आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, एक लाल वाला बटन आ रहा होगा उसे दबाना और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि उसका फायदा क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करते ही आप हमारे चैनल पर आ जाओगे। सबसे पहले वीडियो देख लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, फ्री के पैसे आप भी जीत के लेके जा सकते हो। तो जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, 3.5 लाख लोग कर चुके हैं, आप कहां पीछे रह रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। बात करते हैं दोस्तों देखो हम इस मैच के बारे में। और दोस्तों देखो यार मैं आपके लिए सब इतना कर रहा हूँ, फ्री की टीम आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फ्री के वीडियोज में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट दिखाते हो, थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट दिखाते हो तो मेरे को भी अच्छा लगता है। तो देखो सपोर्ट दिखाने का एक तरीका है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है। जिस भी भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपको कुछ भी नहीं करना होता, आप वीडियो देख रहे हो बस वो दबा दिया, ये लो लाइक हो गया आपका, नहीं तो टाइम लगा, नहीं कोई पैसा लगा, बस मेरे को जो है मोटिवेशन मिल जाता है, मेरे को अच्छा फील होता है और आपके लिए और भी बेहतर टीम मैं लेके आऊंगा, ठीक है? तो जिसने भी लाइक नहीं किया हो लाइक कर देना, आपसे 4 से 5 हजार लाइक्स की उम्मीद मैं इस वीडियो पर कर रहा हूँ। बात करते हैं देखो इस मैच के बारे में।
तो ये वाला जो मैच है दोस्तों 21वां मैच है, और ये वाला जो मैच है ये शाम को खेला जाएगा। आज दोपहर में मैच नहीं है ना, पिछले 2 दिन तक दोपहर और शाम दो दो मैच हुए थे। ये वाला जो मैच है दोस्तों ये डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि आगे इस वीडियो में इस पूरे मैच की कुंडली तो मैं आपको बता दूंगा, पिच रिपोर्ट से लेकर प्लेयर बैटल तक सारी की सारी न्यूज आपको बता दूंगा, लेकिन अपनी फाइनल टीम का क्या वो तो इस वीडियो में आपको नहीं मिल सकती क्योंकि अभी तक इस मैच का टॉस ही हुआ है। तो देखो टॉस होने के बाद डेली हम अपनी एक फाइनल टीम बनाते हैं, और आपको पता है अपनी फाइनल टीम कहां मिलेगी, अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो जिस भी भाई ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो, देखो आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको प्रॉफिट कमाना है। तो टेलीग्राम चैनल की जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। उस पर क्लिक करके 5 सेकंड के अंदर अंदर आप ज्वाइन हो जाओगे। ज्वाइनिंग एकदम फ्री है, आपसे नहीं तो कभी पैसा मांगा गया है, नहीं आगे कभी मांगा जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, आप ही का फायदा है। बहुत सारे लोग वहां से जुड़े हुए हैं और फ्री में फायदा उठा रहे हैं। मेरी जो फाइनल टीम होती है जिससे मैं खेलता हूँ और बाकी के अपने चैनल के सारे मेंबर्स खेलते हैं, वो आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों हम सबसे पहले पिच रिपोर्ट और वेदर के बारे में। तो मौसम तो साफ रहेगा, उसको तो छोड़ो, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले पिच के बारे में। तो यहाँ का जो पिच है दोस्तों, डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम का जो पिच है वो एक तो बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो जो भी ठीक खेल लेता है, जो भी बिना लापरवाही बरते खेल लेता है, वो यहाँ पर बाजी मार जाता है। यहाँ पर हमने हाई स्कोरिंग मैच भी देखे हैं और लो स्कोरिंग मैच भी देखे हैं। ये दोस्तों जो पिछले 4 मैच इस पर्टिकुलर मैदान में खेले गए हैं उसकी बात मैं कर लेता हूँ। इसी सीजन में खेले गए हैं चारों के चारों, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला मैच देखो, ये वाला मैच खेला गया था 2 अप्रैल को, ठीक है। 2 अप्रैल को क्या हुआ था कि राजस्थान और मुंबई के बीच में ये वाला मैच खेला गया था, जिसमें राजस्थान 23 रनों से जीत गई थी, यानी कि जो टीम पहले बैटिंग की थी वो वाला यहाँ पर जीता था। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप विकेट्स देखोगे तो टोटल आप विकेट देखो तो पेसर्स को यहाँ पर स्पिनर्स के मुकाबले काफी ज्यादा विकेट मिले थे, मतलब कि 11 विकेट पेसर्स को मिले थे और ओनली 3 विकेट जो है स्पिनर्स को यहाँ पर मिले थे। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा मैच है उसकी बात करें तो लखनऊ और इसके बीच में हैदराबाद के बीच में खेला गया था, जिसमें लखनऊ जीत गई थी 12 रन से, यानी कि जिस भी टीम ने पहले बैटिंग की थी वो यहाँ पर वापस जीत गई थी। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप पेसर और स्पिनर का विकेट देखोगे तो यहाँ पर पेसर्स को जो है 1 विकेट मिला है और स्पिनर्स को जो है 4 विकेट मिले, यहाँ पर स्पिनर्स बाजी मार गए थे। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा मैच है वो भी आप देख लो, तीसरा मैच खेला गया था 7 तारीख को, जो कि खेला गया था दिल्ली और लखनऊ के बीच में। इसमें लखनऊ 6 विकेट से जीती थी, यानी कि चेस करने वाली टीम जीती। यहाँ पर पेसर और स्पिनर में वापस एक बार स्पिनर्स ने ज्यादा विकेट लिए। और ये जो लास्ट मैच अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ दिन क्या परसों ही खेला गया था, चेन्नई और हैदराबाद के बीच में, हैदराबाद 8 विकेट से जीत गई थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेसर और स्पिनर में पेसर्स ने ज्यादा विकेट लिए। अब अगर आप कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि कंफ्यूज होने वाली चीज है भाई, कभी स्पिनर्स ज्यादा विकेट ले रहे हैं, कभी पेसर्स ज्यादा विकेट ले रहे हैं, कभी चेस करने वाली टीम जीत रही है तो कभी पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है। देखो आपकी कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूँ, कोई ज्यादा नहीं है। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई, बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को सपोर्ट मिलता है तो जो भी ज्यादा परफॉर्म कर देता है ठीक वो जीत जाता है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो रात को मैच रहेगा, ड्यू का थोड़ा बहुत सीन रहेगा तो पेसर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा, और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले चेस करना चाहेगी, यानी कि पहले बॉलिंग करना चाहेगी। थोड़ी और बातें करते हैं दोस्तों, अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में, तो यार सनराइजर्स हैदराबाद की जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो खराब है, मतलब कि चेन्नई मुंबई जितनी खराब नहीं है लेकिन फिर भी खराब है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ 3 मैच खेले इस सीजन में अभी तक, 3 में से 1 मैच मात्र जीते हैं, 2 मैच हार गए हैं और पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर ये बैठे हैं, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो यार इनकी जो परफॉर्मेंस है वो टॉप रही है, क्योंकि इन्होंने जो 3 मैच खेले उनमें से 3ों मैच जीते हैं। अभी तक एक लौती ऐसी टीम है इस सीजन में जिन्होंने एक भी मैच इस सीजन में नहीं आ रहा है, एक लौती टीम है और पॉइंट्स टेबल में ये अभी 3rd नंबर पर बैठे हैं, ठीक है। और हेड टू हेड दोस्तों इन दोनों के बीच में है नहीं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है गुजरात टाइटन्स इसी सीजन आई है तो कोई हेड टू हेड रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। दोस्तों बात करते हैं देखो यार माई इलेवन सर्कल के बारे में। तो यार एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि आपको बहुत सारे फायदे देता है। सबसे पहला फायदा 1500 रुपए तक का साइन अप बोनस। देखो इसकी जो डाउनलोड लिंक है ना वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उस लिंक से जैसे ही आप डाउनलोड करोगे सबसे पहला फायदा आपको 1500 रुपए तक का साइन अप बोनस। दूसरा फायदा जैसे ही दोस्तों आप वहां पर अपना फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करोगे तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। और ये दोस्तों एक्स्ट्रा कैश है, ये आपको डायरेक्ट आपके वॉलेट में प्रोवाइड किया जाएगा, ये बोनस नहीं है, इसका आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। तीसरा फायदा दोस्तों बीट दी एक्सपर्ट के कॉन्टेस्ट वहां पर चलते रहते हैं, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपर्ट को बीट करो डायरेक्ट 5 गुना प्राइज लेके जाओ, एकदम सिंपल है। और दोस्तों आज के इस मैच में 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे भी माई इलेवन सर्कल पर चल रहा है, तो इसका भी आप फ्री में फायदा उठा सकते हो। माई इलेवन सर्कल की दोस्तों डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, फायदा उठा लेना। बात करते हैं दोस्तों हम सनराइजर्स हैदराबाद की टीम न्यूज के बारे में।
तो दोस्तों यार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से अपने पास कुछ न्यूज आ रही है जो कि आपको बताना जरूरी है, आपका जानना जरूरी है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन सभी न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आप फोकस करोगे तो आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि जो वॉशिंगटन सुंदर है वो लेफ्टी के आगे बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं भाई, एक नंबर बॉलिंग करते हैं। पिछले मैच में भी क्विंटन डिको के सामने इनको बॉलिंग करवाई गई थी और क्विंटन डिको को इन्होंने आउट कर दिया था, तो वही बात है, लेफ्ट के आगे हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं और इस में आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे पावर प्ले के अंदर, क्योंकि गुजरात टाइटन्स की टीम के पास लेफ्ट है, एक तो मैथ्यू वेड है और जो नंबर तीन पर बैटिंग करेंगे सुदर्शन, वो भी लेफ्टी बल्लेबाज है, ठीक है। तो गुजरात टाइटंस के सामने पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कर सकते हैं, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक वॉशिंगटन सुंदर इस मैच के रह सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि श्रेयस गोपाल या फिर कार्तिक त्यागी को उमरान मलिक की जगह आप खेलते हुए देख सकते हो, ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये सिर्फ मेरे को लग रहा है, क्योंकि उमरान मलिक जो है रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, सिर्फ तेज बॉल जरूर फेंकते हैं लेकिन वो लाइन और लेंथ वगैरह जो भी है ये अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बॉल को स्विंग भी जो है नहीं हो पा रहा है, तो मतलब इनको हटाया जा सकता है, सिर्फ रन खा रहे हैं, विकेट नहीं दिला पा रहे हैं, ठीक है। तो इनको हटाया जा सकता है, श्रेयस गोपाल या फिर कार्तिक त्यागी इनको खिलाया जा सकता है, ये ऑफिशियल नहीं है, एक बार वापस बोलूंगा, जैसे ही कोई न्यूज आती है आपको बता दी जाएगी, ठीक है। एक चीज दोस्तों आपको और बताऊंगा कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की जो परफॉर्मेंस है पावर प्ले के अंदर इस सीजन में वो काफी ज्यादा खराब है, आप देख सकते हो ओनली 5 रन पर ओवर के हिसाब से ये बनाते हैं। और दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से और कोई भी न्यूज अपने पास आती है तो वो आपके साथ में टॉस से पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसकी चिंता आप मत करना। बात करते हैं दोस्तों हम गुजरात टाइटंस की टीम न्यूज के बारे में, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम न्यूज की बात कर ली है, गुजरात टाइटंस की बात करना बाकी है, 2 यहां पर भी आप फोकस करो, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैथ्यू वेड जो कि रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, एक लेफ्टी जरूर है लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, तो इनको बिठाया जा सकता है, ये भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये सिर्फ अंदाजा लगाया गया है कि भाई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो बिठा सकते हैं, ठीक है। और इनकी जगह वृद्धिमान साहा या फिर रहमानुल्लाह गुरबाज जो दोनों अवेलेबल है उनको खिलाया जा सकता है, ठीक है, देखते हैं वो तो क्या होता है, अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज तो आई नहीं है। उसके अलावा दोस्तों अगर एक चीज मैं आपको बताऊं और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनने में थोड़ा ऐसे अजीब लग रहा होगा कि राशिद खान अपनी पुरानी फ्रेंचाइज के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो क्या हुआ भाई, खेल रहे हैं अच्छा खेल सकते हैं इस मैच में, क्योंकि पहली बात अगर मैं आपको वैसे बताऊं लॉजिकल बात, कोई भी प्लेयर अपनी पुरानी फ्रेंचाइज के अगेंस्ट खेलता है तो उसके हाव भाव उसे पता रहते हैं, उसके प्लेयर्स के बारे में उन्हें पता रहता है और उसके वजह से उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज के अगेंस्ट वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। कल के मैच में कुलदीप यादव ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, वही बात आ जाती है यहाँ पर भी, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखो कुछ लोग तो मजाक में ये भी बोल रहे थे कि बदला निकाल रहे हैं पुरानी फ्रेंचाइज से, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं होता, बस थोड़ा सा नॉलेज रहता है अपनी फ्रेंचाइज का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं टेबटिया, जिन्होंने पिछला मैच गुजरात टाइटंस को लास्ट के 2 में 2 मार के जिताया था, उनकी जो स्ट्राइक रेट आप देखोगे तो पेसर्स के सामने तो इनकी 143 की है लेकिन स्पिनर्स के सामने सिर्फ 101 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, तो अगर टेबटिया पे लगाम लगानी है तो सामने से आप स्पिनर्स को बॉलिंग करते हुए देख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों और कोई न्यूज आती है अगर अपने पास गुजरात टाइटंस से तो वो भी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, मैं आपको वापस बोलूंगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपका दोस्तों काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाई जाती है, फाइनल अपडेट आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाई जाती है और इन दो चीजों के बिना आपका जो प्रॉफिट होना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर वहां से जुड़े हुए हैं, डेली प्रॉफिट कमा रहे हैं, इन 15-16 दिनों में 50 लाख से प्रॉफिट हम कमा चुके हैं, 50 लाख से भी ज्यादा का, वहां से आके जुड़ो आपको फायदा होएगा ही होएगा। बात करते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे गिव अवे के बारे में, जैसा कि आपको पता है अपने हर वीडियो में 2 गिव अवे होते हैं, एक तो फर्स्ट लाइक कमेंट वो तो गया, दूसरा क्वेश्चन गिव अवे, 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे उनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, अनलिमिटेड कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला सवाल है इस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहेगा, कमेंट में जवाब दे देना लेकिन अभी मत देना, पहले दूसरा सवाल भी सुन लो, ठीक है। अनलिमिटेड आप कमेंट कर सकते हो लेकिन एक कमेंट में आपके दोनों सवालों के जवाब होने चाहिए और अगर दोनों सवालों के जवाब आपके सही हो गए तो आप भी गिव अवे जीत सकते हो, ठीक है। ये अपने जो 2 गिव अवे के रूल है ये आपको फॉलो करना जो है कंपलसरी है, एक तो आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना जरूरी है, दूसरा इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है। बात करते हैं दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में कि कौन से 11 खिलाड़ी आपको इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से खेलते हुए देख सकते हैं और अपनी टीम में इनमें से कौन कौन से प्लेयर रह सकते हैं, ठीक है। तो एक एक प्लेयर की बात करते हैं, सबसे पहले अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन ओपनिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे, उसके अलावा दोस्तों ये सारे आप देख लो ना, वैसे कोई
ज्यादा मुश्किल किया नहीं है, बस यहाँ पर देख लेना उमरान मलिक की जगह और कोई आपको खेलते हुए दिख सकता है, लेकिन अभी तक अपने पास कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा बदलाव किए नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो डेथ ओवर्स की बात करते हैं कि भाई इनमें से डेथ ओवर में बॉलिंग कौन करेगा। तो सबसे पहली बात, इनमें डेथ ओवर में एक तो नटराजन ऑब्वियसली बॉलिंग करेंगे, भुवनेश्वर कुमार एक आधा ओवर निकाल सकते हैं और मार्को जैक्सन, ये तीन जो है आपके डेथ ओवर बॉलर्स हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से। और अपनी टीम में इन 11 खिलाड़ियों में से कौन कौन ऐसे प्लेयर हैं जो 100% अपनी स्मॉल लीग की टीम में रहेंगे, उनकी भी बात करें तो यार अपनी टीम में रखने के लिए देखो 100% एक तो वॉशिंगटन सुंदर है, एक टीम नटराजन है, ये दो प्लेयर तो मेरी टीम में रहेंगे ही रहेंगे, इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा। हो सकता है मैं केन विलियमसन को भी रखूं, लेकिन इनका कुछ प्लेयर बैटल है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। निकलस पूरन दोस्तों ये अपनी टीम में रहेंगे, निकलस पूरन रहेंगे क्योंकि इनके जो अपोजिट टीम है गुजरात टाइटंस, उनके जो विकेट कीपर है मैथ्यू वेड, उनको हो सकता है मैं अपनी स्मॉली की टीम में नहीं रखूं, इसलिए निकलस पूरन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्लेयर हैं जो अपनी स्मॉली की टीम में रहेंगे ही रहेंगे, बाकी और भी जो प्लेयर हैं देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इन तीन चार प्लेयर से तो मैं अपनी टीम बना नहीं सकता, और भी तो प्लेयर होंगे, कुछ प्लेयर मैं दूसरी टीम से पिक कर लूंगा, बचे हुए जो तीन चार प्लेयर हैं वो टॉस के बाद डिसाइड होते हैं, क्योंकि टॉस के बाद अपने पास अपडेट आती है, उन अपडेट की वजह से हम तीन चार जो अपने प्लेयर हैं वो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आपके साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। बात करते हैं दोस्तों इन्हीं 11 खिलाड़ियों के सारे रिकॉर्ड के बारे में, मैंने आपको बताया कि भाई सारे प्लेयर के सारे रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा, तो चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से, विलियमसन और अभिषेक शर्मा आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो विलियमसन की ठीक ठाक रही है, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है। ठीक है, पहले मैच में 2 रन, दूसरे मैच में 16, तीसरे मैच में 32 रन जरूर बनाए थे, लेकिन काफी ज्यादा स्लो खेला था, काफी ज्यादा धीरे की पारी आई थी। ठीक है, अभिषेक शर्मा की भी परफॉर्मेंस दिन बाई दिन इंप्रूव हो रही है, पिछले मैच में 75 रनों की पारी अपनी टीम के लिए जरूर खेली थी। उसके बाद त्रिपाठी की अगर मैं बात करूं तो भाई पिछले 2 मैच से काफी अच्छा खेल रहे हैं, त्रिपाठी भी अपनी स्मॉल लीग के लिए एक अच्छे पिक हो जाते हैं। उसके अलावा निकलस पूरन की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो निकलस पूरन नंबर 4 पर बैटिंग जरूर करते हैं, पहले मैच में डक पर आउट हो गए थे, दूसरे मैच में 34 रन बनाए और तीसरे मैच में मात्र 5 रन लेकिन नॉट आउट थे। ठीक है, और एडन मरकम बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के साथ आपको पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए ये भी आपकी टीम के लिए एक अच्छे पिक हो जाते हैं। इन्होंने पहले मैच में 50 बनाई थी, दूसरे मैच में 10-12 रन बनाए और तीसरे मैच में बैटिंग नहीं आई लेकिन बॉलिंग के साथ एक विकेट अपनी टीम के नाम किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो आ जाते हैं शशांक सिंह, इनकी अगर दोस्तों मैं बात करूं तो यार आईपीएल में कोई ज्यादा खास करियर नहीं है, पिछले मैच में भी खेलने का मौका नहीं मिला था, हालांकि डेब्यूट इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर अपनी टीम में 100% रहेंगे, रिसेंट परफॉर्मेंस आप इनकी देखोगे तो भाई एक नंबर है, बैटिंग के साथ और बॉलिंग के साथ दोनों के साथ पॉइंट दे सकते हैं। मार्को येंशन को पिछले मैच में खेलने का मौका मिला, एक विकेट अपनी टीम के नाम किया। भुवनेश्वर कुमार ने दोस्तों 3 मैच में टोटल ही 2 विकेट अपनी टीम के नाम किए हैं, इकोनॉमी राइट पावर प्ले के अंदर बहुत शानदार रहती है, तो देख लेना ग्रैंड लीग की कुछ टीम्स में ट्राई करना चाहो कर लेना, स्मॉल लीग में शायद मैं नहीं करूंगा। ठीक है, नटराजन की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो 3 मैच में 6 विकेट निकाल चुके हैं, ये जो शुरुआत के 2 मैच थे ये सिर्फ डेथ ओवर में 4 विकेट निकाले थे, मतलब कि अपना जो लास्ट ओवर फेंक रहे थे 19वां या 20वां ओवर उसी में निकाले, पिछले मैच में जरूर जो है एक आधे विकेट स्टार्टिंग में निकाल दिए थे। ठीक है, उसके बाद उमरान मलिक जिनके खेलने के चांसेस कम है, पिछले 3 मैच में 2 विकेट लिया है और इकोनॉमी रेट काफी हाई रहती है, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई यही उनके लिए खतरा साबित हो सकती है। दोस्तों बात करेंगे हम गुजरात टाइटंस की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, इनमें से कौन कौन डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे और कौन कौन अपनी टीम में रहेंगे, लेकिन उससे पहले देखो यार आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया, मतलब डेफिनेटली वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को एक लाइक जरूर करना, आपका लाइक ही मेरे को मोटिवेशन देता है, आपके लिए बेटर से बेटर वीडियोस, बेटर से बेटर टीम लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो एक सेकंड लगेगा यार, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगेगा, येलो दबा दिया, ठीक है, इतना सा टाइम लगा, कुछ भी नहीं लगा, तो जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना मेरे भाई, सिर्फ 5000 लाइक्स का लाइक टारगेट इस वीडियो पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दोस्तों बात करें देखो अगर हम इनके बारे में, तो मैथ्यू वेड जैसा कि मैंने आपको बताया ऑफिशियल न्यूज जब तक नहीं आ जाती जब तक मैं भी कोई ऑफिशियल चेंजेस यहां पर नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैथ्यू वेड इनकी जगह मैंने आपको बता दिया, रहमानुल्लाह गुरबाज और वृद्धिमान साह किसी को खिलाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों शुभमन गिल और साई सुदर्शन वगैरह आप देख लो आराम से अपनी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। हम बात करते हैं कि इनमें से डेथ ओवर में बॉलिंग कौन कौन करेगा, तो सबसे पहले डेथ ओवर में मोहम्मद शमी, लोकी फर्गुसन, कोई और डाउट ही नहीं है, ये दोनों डेथ ओवर बॉलिंग निकालेंगे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हार्दिक पांड्या भी एक वादा ओवर अगर डेथ में करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं, हार्दिक पांड्या दोस्तों पावर प्ले में ही अपने 2-3 ओवर निकाल देते हैं फिर एक मिडल में निकाल देते हैं, ऐसा कुछ सीन रहता है हार्दिक पांड्या का। ठीक है, इनमें से दोस्तों 4-4 ओवर, तो लोकी फर्गुसन अपने पूरे 4 करेंगे, मोहम्मद शमी पूरे 4 करेंगे, हार्दिक पांड्या भी अपने पूरे 4 करेंगे और राशिद खान भी अपने पूरे 4 करेंगे। ठीक है, दर्शन के थोड़े ओवर कट हो सकते हैं और उनकी जगह टेवटिया को मिल सकते हैं, बाकी इन दोनों को मिला के आप 4 ओवर करते हुए देखोगे इस मैच में, कुछ ऐसा ऐसा सीन रहेगा।
और दोस्तों बात करें यार अगर हम अपनी टीम की, तो अपनी टीम में कौन कौन रहेंगे, सबसे पहले तो शुभमन गिल जिन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस किया रिसेंटली, ये अपनी टीम में रहने वाला है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या बैटिंग प्लस बॉलिंग के साथ पहुंच देते हैं, तो ये अपनी टीम में रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों राशिद खान जो कि एक क्लास स्पिनर है और अपनी पुरानी फ्रेंचाइज के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ये अपनी टीम में रहेंगे। मोहम्मद शमी रिसेंटली काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, और मोस्ट प्रोबेबली लोकी फर्गुसन भी। तो दोस्तों ये जो पांच प्लेयर है ये अपनी स्मॉल लीग की टीम में रहने वाले हैं। उस टीम से हमने दो तीन प्लेयर पिक किए थे, तो तीन प्लेयर में मान के चलता हूं, तो तीन प्लेयर वो हो गए, एट प्लेयर्स तो मैंने आपको बता दिए जो अपनी स्मॉल लीग की टीम में रहेंगे रहेंगे। जो बचे हुए तीन प्लेयर हैं वो टॉस के टाइम पे डिसाइड होंगे कि कौन से प्लेयर को अपनी टीम में रखना है। फाइनल प्लेइंग 11 आने दो, फाइनल पिच रिपोर्ट आने दो, और टॉस का पता लगने दो कि भाई कौन पहले बैटिंग कर रहा है, कौन पहले बॉलिंग कर रहा है। उसके बाद जो भी डिसाइड होंगे वो आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। थोड़े डिटेल में बात करते हैं दोस्तों इन सभी प्लेयर्स के बारे में, गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों जो शुभमन गिल है उन्होंने तो आग लगा रखी है, मतलब ये तो इनके पिछले सीजन तक का रिकॉर्ड है, और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो फर्स्ट मैच में डक पे जरूर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो दो मैच खेले उनमें आग लगा दिया, मतलब 180 रन ओनली दो मैच में बना दिए। तो इनको आउट करना जरूरी है भाई, अगर जीतना है सनराइजर्स को तो इनको थामना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैथ्यू वेड अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। उसके बाद दोस्तों सुदर्शन को जो है पिछले मैच में खेलने का मौका मिला, टैलेंटेड बैट्समैन है, इसके बारे में मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था, और पिछले मैच में 35 रनों की एक ठीक ठाक पारी अपनी टीम के लिए खेली, ठीक है। उसके बाद अभिनव मनोहर, इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा ही नीचे आते हैं तो इनको अपनी टीम में नहीं रख रहे। और डेविड मिलर जो है अच्छी पारी खेल रहे हैं यार, हर मैच में इस तरीके से, पहले मैच में 30 रन बनाए, दूसरे और तीसरे मैच में इनको कोई आउट नहीं कर पाया। तो वही बात है, अगर इनको थोड़ी ज्यादा बॉलिंग खेलने को मिलती है तो अच्छी परफॉर्मेंस आपको करके दे सकते हैं। आपके ग्रैंड लीग के जो पिक हैं वो डेविड मिलर हो जाते हैं, ठीक है। ग्रैंड लीग का मैंने आपको एक तो ये बता दिया, एक उस टीम्स में से बताया था, तो ध्यान रखना इन सभी प्लेयर को आप ग्रैंड लीग की कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या आ जाते हैं अपनी टीम में, 100% रहेंगे, कैप्टन है, और बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के साथ आपको पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। टेवटिया की अगर मैं बात करूं, पिछले मैच के हीरो जरूर थे, लेकिन हर मैच में हीरो बने ये जरूरी नहीं है, इसीलिए अपनी स्मॉल लीग की टीम में मैं शायद टेवटिया को नहीं रखूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं जो तीन प्लेयर डिसाइड होने वाले लास्ट में, उनमें टेवटिया का नाम आ सकता है, क्योंकि ये अच्छे प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद राशिद खान पिछले तीन मैच में 5 विकेट अपनी टीम के नाम कर चुके हैं, काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। नालकंडे का दोस्तों पिछले मैच में 2 विकेट मिले थे और डेब्यूट मारा था, अगर आपको याद हो तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको ये बात बोली भी थी कि भाई नालकंडे इज अ वेरी गुड बॉलर, इनको आप अपने ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर लेना। जो अपने टेलीग्राम चैनल पर लोग एक्टिव थे उन्होंने ध्यान दिया, ले लिया और ग्रैंड लीग में आग लगा दी। उसके बाद दोस्तों फर्गुसन पिछले मैच में 1 विकेट, उससे पहले 4 विकेट और उससे पहले 0, तीन मैच में 5 विकेट ये भी ले चुके हैं, और मोहम्मद शमी पिछले तीन मैच में 6 विकेट ले चुके हैं, तो ये दोनों भी काफी अच्छे बॉलर हैं, डेथ में बॉलिंग करेंगे। दोस्तों बात करते हैं हम अपने गिव अवे के दूसरे सवाल की, एक सवाल में आपसे पूछ चुका था, जो दूसरा सवाल है उसमें आपको बताना है कि भाई इस मैच में शुभमन गिल कितना स्कोर करेंगे, साथ ही साथ इनका जो विकेट है वो कौन सा बॉलर लेगा, ठीक है। तो ये हो गए अपने दो सवाल, दोनों सवालों का आप जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, अनलिमिटेड कमेंट कर सकते हो, लेकिन अपने जो गिव अवे के दो रूल हैं वो आपको जरूर फॉलो करना है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया हो वो वीडियो को लाइक कर दे। बात करते हैं दोस्तों हम कुछ इंपोर्टेंट प्लेयर बैटल्स के बारे में, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, थोड़े कम प्लेयर बैटल जरूर है इस मैच में, लेकिन जो भी है वो क्वालिटी प्लेयर बैटल है, मतलब कि थोड़ा सा ध्यान दे लो आपको काफी ज्यादा जो बेनिफिट है वो ये प्लेयर बैटल करवा सकते हैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में भी, साथ ही साथ ग्रैंड लीग की टीम में भी। सबसे पहले अगर हम दोस्तों बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन और गुजरात टाइटंस के बॉलर्स के बारे में, तो सिर्फ तीन ही प्लेयर बैटल है, तीनों अच्छे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दो, निकोलस पूरन और राशिद खान कौन जीत रहा है, सबसे ही बताना राशिद खान, ऑफकोर्स राशिद खान ने 37 बोले इन्हें खिलाई हैं, ओनली 21 दिए हैं, और 2 बार निकोलस पूरन का विकेट निकाल चुके हैं। तो ध्यान रखना निकोलस पूरन को अगर कोई बंदा परेशान करेगा तो उसका नाम रहेगा राशिद खान। उसके बाद दोस्तों विलियमसन और मोहम्मद शमी की अगर मैं बात करूं, तो केन विलियमसन को मोहम्मद शमी परेशान करते हैं, ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी कि यार हो सकता है केन विलियमसन को मैं नहीं रखूं, क्योंकि उनका एक प्लेयर बैटल बताऊंगा, प्लेयर बैटल ये रहा, मोहम्मद शमी केन विलियमसन को परेशान करते हैं। अगर केन विलियमसन जम के खेलते हैं, देखो पहली बात तो पावर प्ले के अंदर खेलेंगे, पावर प्ले के अंदर बॉलिंग, तो पावर प्ले में ही अपना विकेट दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मोहम्मद शमी इनका विकेट लेने की कोशिश तो पूरी करने वाले हैं। त्रिपाठी और मोहम्मद शमी की अगर दोस्तों में बात करूं, त्रिपाठी अच्छी पारी जरूर खेल रहे हैं रिसेंटली, कोई दिक्कत नहीं है पिछले 2 मैच से, लेकिन मोहम्मद शमी के आगे ये भी काफी ज्यादा परेशान हुआ है, क्योंकि 20 रन बनाए हैं 22 बॉल खेलते हुए, और 2 बार अपना विकेट मोहम्मद शमी को ये भी गवा चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो मोहम्मद शमी आपकी टीम के लिए अल्ट्रा पिक हो जाते हैं, दूसरी बात ये जो है ना ये आपकी टीम में थोड़ा सा रिस्की पिक हो जाता है, इनके आउट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 2 बैनर मैंने आपके लिए लगा रखे हैं सब्सक्राइब नाउ के, तो भाई सब्सक्राइब नाउ
आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, जितने भी अपडेट मैं आपके लिए लाऊंगा वो सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहेंगी नोटिफिकेशन के रूप में। तो उसका जो आपका फायदा है ना वो डबल ट्रिपल आराम से हो जाएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं है, आपको भी पता है। अगर आपका फायदा नहीं हो जस्ट इन केस तो निकल जाना, 7 दिन के अंदर अंदर आप अनसब्सक्राइब करके निकल जाना, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन यार 3.5 लाख लोगों ने भरोसा दिखा रखा है, आप भी दिखाओ, फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों हम गुजरात टाइटंस के बैट्समैन और सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर, तो सिर्फ दो हैं, दोनों में एक कॉमन बॉलर भी हैं जिनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। और दोस्तों इनका क्या सीन रहता है कि सबसे पहले तो शुभमन गिल को भुवनेश्वर कुमार ने परेशान किया है। शुभमन गिल रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो अगर उनको रोकना है तो भुवनेश्वर कुमार को लाना पड़ेगा। और पावर प्ले के अंदर जो भुवनेश्वर कुमार है वो नेक्स्ट लेवल बॉलिंग कर रहे हैं, स्विंग बहुत अच्छा करवा रहे हैं, तो ध्यान रखना शुभमन गिल को परेशानी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद डेविड मिलर और इनकी बात करें तो डेविड मिलर ने भाई भुवनेश्वर कुमार को मारा है, 24 बॉल में 43 रन और एक बार विकेट दिया है सिर्फ, यानी कि 171-180 की समथिंग की स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। तो मतलब कि डेविड मिलर डेथ ओवर में अगर बैटिंग करते हैं और भूवी अगर डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं तो भूवी के अच्छे खासे रन ठुक सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको देखो इतनी सारी चीजें बता दी हैं, पिच रिपोर्ट बता दी, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बता दी, वेन्यू रिपोर्ट बता दी, रिसेंट मैच बता दिए, प्लेयर के सारे रिकॉर्ड बता दिए और प्लेयर बैटल भी मैंने आपको बता दिए। और आगे मैं आपको अपनी डेमो टीम भी बना के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे वापस बोलूंगा, उस टीम को कॉपी करके अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत कर लेना, अपना नुकसान करवा बैठोगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक डेमो टीम है, उसमें अपडेट होने का वेट करना, अपडेट हो गए टॉस के बाद उसके बाद आप आराम से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो क्योंकि तब आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे मत करना डेमो टीम, तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूंगा अपनी जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये मैं आपको एक बार वापस बोल देता हूँ, टेलीग्राम चैनल के जो ज्वाइनिंग लिंक है दोस्तों वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जिस भी भाई ने ज्वाइन नहीं किया हो टेलीग्राम चैनल वो जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, आपका वहां पर बहुत सारा फायदा वैसे ही हो जाएगा। और दोस्तों फाइनली अगर हम बात करें अपनी टीम के बारे में तो यार ये जो है आपको अपनी टीम एक डेमो टीम अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रही होगी। इसमें देखो मैंने रखा है निकोलस पूरन को, क्योंकि मैथ्यू वेड को रखने में थोड़ा सा ऐसा था कि भाई चल ही नहीं पा रहे तो रखूंगा क्या, ठीक है। उसके अलावा शुभमन गिल को मैंने अपनी टीम में रखा, एडन मरक्रम को मैंने अपनी टीम में रखा। जस्ट एडन मरक्रम को मैंने अपने फाइनल 8 में डिसाइड नहीं किया था लेकिन रखा है क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग के साथ आपको पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राहुल त्रिपाठी जो पिछले 2 मैच से काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एंड केन विलियमसन को भी मेरे को रखना पड़ा है क्योंकि ये बंदा आखिर कैप्टन ही है ना, थोड़ा सा परेशान जरूर होता है लेकिन शमी के अगर ओवर ठीक ठाक से निकाल दिए तो बंदा चल सकता है। उसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों के बारे में तो मैंने आपको बताई दिया था। उसके बाद मोहम्मद शमी, राशिद खान, टी नटराजन और लोकी फर्गुसन, इन चारों के बारे में भी बता दिया था कि ये सारे प्लेयर अपनी अपनी टीम में रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये जो टीम है ना ये है एक डेमो टीम, ये अपनी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम का वेट करना, आपको मैं बता दूंगा। बात करते हैं दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की इन्हीं 11 खिलाड़ियों में, लेकिन उससे पहले देखो वीडियो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जिस भी भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, 5000 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट करवा देना यार, ठीक है। कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों इस मैच के लिए आपको एक तो शुभमन गिल दिख जाते हैं, एवरेज चॉइस, हार्दिक पांड्या काफी अच्छी चॉइस, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बताऊं कैप्टन और वाइस कैप्टन तो राशिद खान अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और एक रिस्की चॉइस लेकिन एक काफी शानदार चॉइस आपके लिए बन जाते हैं वॉशिंगटन सुंदर। ये स्मॉल लीग के लिए नहीं है, ये आपके लिए मिनी ग्रैंड लीग या फिर ग्रैंड लीग के कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाते हैं। स्मॉल लीग में इन तीनों से आप काम चला लेना। दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन में भी अगर कोई चेंज होता है चॉइसेज में तो आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाली जो टीम है दोस्तों ये मैंने माई 11 सर्कल पर बनाई थी, आप सेम अपने स्टेट चूज करके किसी और पे बनाना चाहो बना सकते हो, माई 11 सर्कल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, बेनिफिट्स आपको सारे मिल जाएंगे।